देखो आज हिसार लोकसभा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। ये बड़ी कोइंसिडेंस है, ये दो बैठे उसी समुदाय से, ये दो बैठे, मैं अकेला बैठा, अभी मैं इनके साथ जो ना अकेला होना, ये दो हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, समुदाय किसी के भी का नहीं होता। समुदाय देखता काम, समुदाय देखता सुविधाएं, समुदाय देखता है विकास। तो गंदगी पे एक बार रोकना चाहूंगा, एक बार आपकी नजर पड़ी थी, पिछला चुनाव था पहला, और आपने जो है कुछ घंटे में पूरा शहर चमका दिया था, उसके बाद जो है ऐसा क्या होया कि दोबारा वो शहर गंदा हो गया? वोट तो 80 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2 लाख वोट है, 2 लाख में से मैं 10-15 लाख के करीब पोल होंगे, 15 लाख में से करीब करीब हम 80,000 वोट ले रहे हैं, तो उनके 70 कहां से रह जाएंगे? या मैं उसको, मेरा बड़ा भाई है, सलाह दूंगा कि इस काम को छोड़ दे, ये सट्टेबाजी को, तीन पत्ती को, जमीन घेरने को, मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस काम को छोड़ दे। कल मंच पे एक बात सुनने मिली थी कि जिस भी गांव में कोई सरपंच अगर कांग्रेस का या फिर जयप्रकाश का प्रोग्राम करवा रहे है तो हांसीगा विधायक उस पर दबाव डाले। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है। फिलहाल हिसार लोकसभा के हांसी में बैठे हैं प्रेम सिंह मलिक, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ है। बात करांगे खास करके जो है हिसार लोकसभा पे। सबसे पहले भाई जी राम राम और स्वागत। अंकित भाई बहुत बहुत आपको भी प्यार और सारे दर्शकों को नमस्कार। भाई जी बात करूं मैं कि हिसार लोकसभा पे दोनों पार्टियां, क्योंकि आमने सामने की टक्कर है, तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सारे दाव पे चल रही है। आपकी पार्टी तय, कल जो है दीपेंद्र हुड्डा जी आए, आज भूपेंद्र हुड्डा जी आए, बीजेपी पीछे रहने वाली नहीं थी, उन बालकनाथ जी बुला लिए, अमित शाह बुला लिए, कौन सा भारी पड़ेगा? देखो आज हिसार लोकसभा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है। और एक और बता दूं आपको, मैं करीब करीब 9 हमारी विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र से हम 1-1.5 हजार वोट रोजाना और बढ़ रहे हैं, करीब 10-12 हजार वोट हमारी डेली की और बढ़ोतरी की ओर है। 9 विधानसभा का आपने जिक्र किया, उसमें से 2-3 विधानसभा, एक तो अपनी हांसी वाली बुआनी खेड़ा बरवाड़ा, में कोई कांग्रेस की कमजोर है? देखिए कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, ओवरऑल 2 लाख वोटों से जीतेंगे। हांसी की बात करूँ तो हांसी में जीत रहे हैं बिल्कुल, चाहे हम कितनी वोटों से जीते मगर हांसी को भी जीत रहे हैं। हांसी की बात करूँ, एक समुदाय के जो है काफी ज्यादा वोट है प्रॉपर शहर में, उसे समुदाय के विधायक भी है, विधायक लगातार दावे कर रहा है कि 70,000 प्लस की हांसी विधानसभा से जीते। देखिए वो क्या दावे कर रहे हैं, मैं आपको ये बड़ी कोइंसिडेंस है, ये दो बैठे उसी समुदाय से, ये दो बैठे, मैं अकेला बैठा, अभी मैं इनके साथ जो ना अकेला होना, ये दो हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, समुदाय किसी के भी का नहीं होता। समुदाय देखता काम, समुदाय देखता सुविधाएं, समुदाय देखता है विकास। तो जब ओवरऑल कांग्रेस का पिछली बार जब 10 साल कांग्रेस सरकार रही, हांसी का और हिसार का, पूरे हरियाणा का जो विकास हुआ, उस विकास को लोग देखते हैं। अब 10 साल के अंदर जो मोदी की या बीजेपी की या एनडीए की जो भी मतलब कि विकास के नाम पे तो नगणे हैं, नौकरी 2 लाख पद आज सरकारी खाली पड़े हैं, जो रिटायर हो गए वो घर बैठा दिए। तो अब इसमें बेरोजगारी देखें, इसमें आप सुविधाएं देखें, चाहे वो शहर में हो चाहे देहात में हो, खिलाड़ियों के लिए देखें, खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं देते थे, हुड्डा साहब की पॉलिसी थी भाई पद लाओ और पदक लाओ और पद पाओ। अच्छा इसके बाद हमारी जो मनरेगा है की जो टीम है, आंगनवाड़ी की वर्कर है या अन्य इनसे जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ संबंधी जो जुड़ी हुई हैं, उनके साथ भी बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सरपंचों के साथ भी देखो क्या प्रसाद दिया सरपंचों को, आपको पता है। अब इसके बाद आप सबसे जो बड़ी समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर के भी हांसी में बहुत बुरी बनी हुई है। हांसी शहर में आप देखें पशुओं, बेसहारा पशुओं की भरमार है, रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं, पशु भी परेशान है और यहाँ के वासी भी परेशान हैं। फिर बंदरों से बड़ा आतंक मचा हुआ है, आप देख रहे हैं,
गंदगी इतनी पड़ी हुई है जगह जगह। गंदगी पर एक बार रोकना चाहूंगा, एक बार आपकी नजर पड़ी थी, पिछला चुनाव था पहला, और आपने जो है कुछ घंटे में पूरा शहर चमका दिया था, उसके बाद जो है ऐसा क्या हुआ कि दोबारा वो शहर गंदा हो गया? देखो उतना गंदा तो नहीं हुआ, वो जो ढेर थे वो पहले तो बता दूं चंद घंटों में नहीं, एक हफ्ता लगा था मुझे अपनी टीम के साथ अपने हाथ से उठाया था, और हजारों ट्रॉलियां उठी थी, जेसीबी का भी सहारा लिया गया था, हम खुद भी साथ में अपनी टीम के साथ लगे थे। जो जो इन्होंने पॉइंट बना हुए थे, जो ढेर थे करीब करीब 10-10 फुट के, 8-8 फुट के, 7-7 फुट के, वो सारा उठाया था, वहां बिल्कुल नहीं डलने दिया गया। मगर कुछ जगह अब भी गंदगी थोड़ी बहुत दिखाई देती है, और जहां मुझे दिखाई देगी मैं पुनः उस काम को दोबारा से शुरू करूंगा, गंदगी हांसी में नहीं रहने देंगे। दीपेंद्र हुड्डा जो है खुद प्रत्याशी है, उन्ती कल हांसी बुलाया गया आपकी पार्टी के द्वारा, के उसके पीछे वजह के थी, शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहो थे या फिर उनके नाम पर वोट है हांसी में, के मुख्य वजह थी? देखिए दीपेंद्र जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, युवाओं के दिल की धड़कन है, बुजुर्गों के चेहता हैं, हमारे नेता हैं। दीपेंद्र जी खुद कैंडिडेट हैं मगर हरियाणा को भी संभाल रहे हैं, वो हमारे हरियाणा लेवल के नेता हैं। तो युवाओं की डिमांड थी कि भाई एक बार अगर वो आ जाएं तो हमारा थोड़ा हौसला और बढ़ जाएगा, तो युवाओं की डिमांड पे हमने हमारे प्रिय नेता जी को बुलाया था। आसी विधानसभा में जो आपने कहा आसी शहर से भी कि जीतने लग रहे हैं, ओवरऑल जीतने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है दावे है जुगर की शक्ति प्रदर्शन कह लूं या फिर मैं रणजीत चौटाला या विनोद बयाना लगातार अपने बयान पर आज भी डटे हुए हैं, शुरुआत वाला दिन भी उन्होंने यह बयान दिया था, आज भी जो है वो 70,000 पे अट रहे। देखिए 70,000 पे वो अड़ रहे हैं वो उनकी जुबान है, मगर इस बार जो इलेक्शन है वो जनता लड़ रही है। 70,000 वोट ले लेंगे तो इतने वोट तो हंसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2,00,000 वोट हैं, 2,00,000 में से मैं 10-15,00,000 के करीब पोल होंगे, 15,00,000 में से करीब करीब हम 80,000 वोट ले रहे हैं, तो उनके 70 कहां से रह जाएंगे? या तो वो ये सोच रहे होंगे भाई हम 5,00,000 वोट होंगे, या सोच रहे होंगे 70,000 सारी हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से ले रहे होंगे, हंसी से 70 नहीं मिलते। दीपेंद्र हुड्डा जी का कल एक बयान आया कि सरकार आती है तो मेट्रो हिसार आएगी। देखिए हुड्डा साहब जो बोलते हैं वो करते भी हैं, रेल लाइन के लिए बोला था, रोहतक से हांसी लेके आ गए, और बिल्कुल हम विश्वास करते हैं भाई धीरे धीरे, चाहे उसमें समय लग सकता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल, मगर अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो वो करके भी दिखाएंगे। यहाँ के स्थानीय विधायक व पहला एक आरोप आपकी पार्टी के नेताओं ने लगाए थे शराब के, और ये तो खुद प्रधान जी ने जेपी जयप्रकाश जी ने कहा, तीन पत्ती भी खेल रहे है एक इतने बढ़िया पद पर बैठ के, उसकी गरिमा कहीं ना कहीं नो नहीं लगता, अगर ये आरोप सच्चे है तो वो विधायक जी भ्रष्ट करने लग रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हांसी हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि है हमारे, और ऐसा काम वो करते हैं उनके लिए शोभा नहीं देता। मैं उसको, मेरा बड़ा भाई है, सलाह दूंगा कि इस काम को छोड़ दे, ये सट्टेबाजी को, तीन पत्ती को, जमीन घेरने को, मैं तो यही सलाह दे सकता हूँ भाई, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस काम को छोड़ दे। सट्टे की बात चल रही है, सट्टा बाजार का अहम रोल रहा आखिरी चुनाव में, जेपी जी की जीत तो आज भी दिखा रहा है सट्टा बाजार, लेकिन पहले 2,00,000 था, फिर 1,50,000, अब बात जो है 35,000 पा गई, लगातार सट्टा बाजार गिरने लग रहा है, क्या वजह मानो? देखिए सट्टा बाजार को आप ऑथेंटिक नहीं कह सकते, मतलब उसको आप सच्चा नहीं कह सकते। ये क्या होता है कि जिसके पास अनाप शनाप पैसे हैं वो जीतने के लिए पैसे लग जाए, अगर पैसे दे के भी जीत जाए वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो बीजेपी ने पिछले 10 साल के अंदर हमारा जितने भी संसाधन भारत के थे, जो हमारी बहुत बहुत अच्छी संस्थाएं थी, सरकारी संस्थाएं, वो सारी बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध करार दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को, उस पैसे को ये सोच रहे हैं कि भाई सट्टे में लगा दें, और सट्टे में लगाने के बाद जो है ना हम किसी तरीके से पब्लिक का रुझान बदल जाए, मगर पब्लिक बदलने वाली नहीं है, पब्लिक ने मन बना लिया है। यहाँ की जो पब्लिक है, हरियाणा की जो वोटर है, वो इलेक्शन लड़ रहा है कांग्रेस के लिए, इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ रहा। एक जो है विरोध होने लग रहा है, चाहे जेजेपी का हो चाहे बीजेपी का हो, झंडे दिखाना, उनके गांव में बनते रोकना, वो सही है? देखिए रोक कोई नहीं रहा, काले झंडे दिखा रहे हैं, वो हमारा अधिकार भी बनता है, क्योंकि किसानों के साथ, 36 वर्ग के साथ,
कमेरा वर्ग के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ, इन्होंने जो किया, इवन मैंने जैसे बताया जो हमारे सरपंच महोदय भी कुछ डिमांड रख के ले गए थे, आंगनवाड़ी वाले गए थे और जो कच्चे कर्मचारी वो भी गए थे, सबको प्रसाद के रूप में इन्होंने डंडे दिए, लठ दिए। तो स्वाभाविक तौर पे है, देखो जो चीजें हमारे खिलाफ हुई, बर्बरता हुई, उस बर्बरता को लोग भूले नहीं है और यही कारण है कि वो इनको काले झंडे दिखा रहे हैं। जो काले झंडे दिखा रहे हैं तो वोट कहां से दे देंगे, मन में मतलब कि एक घृणा, पब्लिक के मन में घृणा पैदा हो गई है इनके खिलाफ। एक सरपंचों की बात चली, कल मंच पे एक बात सुनने मिली थी कि जिस भी गांव में कोई सरपंच अगर कांग्रेस का या फिर जयप्रकाश का प्रोग्राम करवा रहा है तो आसीगांव विधायक उस पर दबाव डाले। देखो ये अनधिकार चेष्टा बोलते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया ये इनको शोभा नहीं देता। किसी भी आदमी को बांध के नहीं रखना चाहिए। सरपंच ठीक है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, पब्लिक ने जिता के, गांव की जनता ने जिता के उसको भेजा है, हर गांव को वो का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके ऊपर प्रेशर डाले। आज सरकार का मिस यूज उठा रहे हैं, क्यों, हरियाणा में इनकी सरकार हो गई, केंद्र में इनकी सरकार हो गई, तो अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये भी मैं सलाह दूंगा हम मेरे बड़े भाई आदरणीय विधायक जी को कि ये अनधिकार चेष्टा ना करें, ये उनके लिए आने वाले चुनाव में घातक सिद्ध होगा। एक आखिरी सवाल, संख्या में जवाब दियो, इंडिया गठबंधन हरियाणा में कितनी सीटें जीत रहा है? 9 सीटें तो हमारी क्लियर आ रही हैं और 10वीं पे हमारा कंपटीशन है। कौन सी पे? गुड़गांव वाली पे। वहाँ कंपटीशन है। नो क्लियर है? नो क्लियर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। कांग्रेस के नेता प्रेम मलिक जी जो हमारे साथ जुड़े, इनकी विचारधारा आपने किसी लगी और आपकी जो राय है इस पूरे चुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में खुल के कमेंट करो। इतना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।